क्या नाम है आपका? मांग भाई, आपके लड़के ने इच्छा मृत्यु में मांग की है, क्या है पूरा नाम? मामला भैया, घर की स्थिति खराब है और मैं बीमार रहता हूँ, घर वाली बीमार रहती है, दोनों गुर्दों का ऑपरेशन हो गया और मैं भी मजबूरी में काम कर जाता हूँ, इसलिए उसने अपनी इच्छा मृत्यु के लिए लेटर लिख दिया राष्ट्रपति को। अच्छा, कोई जांच अधिकारी आए? विकलांग है और हार्ड का भी बीमारी है, कोई अधिकारी भी नहीं आया, तो इसलिए इसने अपना लेटर लिख के दे दिया इच्छा मृत्यु के लिए। कोई मिलने नहीं आया उसके? कोई मिलने नहीं आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई। दो बच्चे हैं, एक लड़की है, एक लड़का। क्या नाम है आपका? सतवीर। सतवीर, क्या मामला था? आपने कोई गुहार लगाई थी राष्ट्रपति से, क्या मामला है आपका? जी, मैंने गुहार लगाई थी कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, दोनों गुर्दों में पथरी है और उनके कई बार ऑपरेशन भी हो चुके हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब है, उसके बावजूद भी पापा मेहनत करने जाते हैं, मजदूरी करने। मम्मी के भी दो बार ऑपरेशन हो चुके हैं। छोटा भाई और छोटी बहन पढ़ना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई की लाग भी फीस जमा नहीं हो पाती। हमारे जीजाजी ही हमारे घर की स्थिति को संभालने में लगे हैं। मैंने अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर भेजी थी। मैंने उसमें आर्थिक स्थिति के बारे में भी लिखा और साथ में लिखा कि मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा, आप मुझे इच्छा मृत्यु दे दो। इसका एक बहुत बड़ा कारण छुपा था। मैं अपनी दिव्यांगता से परेशान नहीं था, बल्कि घर की आर्थिक स्थिति, पापा की परेशानी, मम्मी की परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही थी और भाई बहन की पढ़ाई की फ़ीस के लिए कभी कभी पैसे भी नहीं होते थे। ये सब देख देख मैं रोता था, जैसे बहन भाई को पापा ने इंटर करा दिया, अब आगे की पढ़ाई के लिए किसी एक को पढ़ना होगा, लेकिन मेरी बहन ने पढ़ाई छोड़ दी ताकि भाई आगे पढ़ सके, वो कामयाब हो सके। मेरी बहन ने नोएडा प्राइवेट कंपनी में जॉब कर ली। अधिकार नहीं आया, सिर्फ दो पुलिस वाला। मुझे तो और कुछ नहीं करना, मुझे डिप्रेशन में हो गया बस, मुझे कुछ और नहीं करना। আরো খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।